इस खेल में वित्तीय जोखिम का तत्व शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। 18 प्लस ओनली। तो चलो भाई चलते फिर से और एक ट्रिक्स का वीडियो में। आज मैं गेम प्ले करने वाला हूँ भाई ज़रूलट गेम, है ना। एंड कितना मेरा VIP लेवल है सारा कुछ दिखाऊंगा बिल्कुल लास्ट में। वीडियो को पूरा देखते रहना भाई, ठीक है। ओके, पहला राउंड इन्वेस्ट करने का टाइम मौका नहीं मिला है। ओके, ईगल का लोगो आया ना, मतलब गेम पे चल रहा है भाई मंकी पांडा सोलो ईगल वाला पैटर्न। लेकिन मेरे को इधर लग रहा है भाई कि एक्सट्रीम राइट में से रैबिट एंड पिजन का चांस है, तो मैं एक काम करूँगा भाई, बीस साइड का भी चांस है, एक बीस्ट एक बार भी कर सकता है, तो मैं मंकी रैबिट पांडा को लेकर चलेंगे एंड साथ में पिजन को लेकर चलेंगे, ठीक है ना। देखते फिर कौन सा लोगो आता है। मंकी पे एकदम लास्ट में ठोकूंगा भाई, क्योंकि एंगल वाला जो पैटर्न है मंकी पांडा सोलो एंड ईगल वाला, जिसमें अभी तक मंकी का लोगो नहीं आया है भाई। एंड तीन डिफाइन लोगो आ चुका है, तो मंकी का लोगो आ सकता है। अगर मंकी का लोगो आएगा तो अच्छा खासा कवर देके जाएगा, आने का चांस तो है भाई। अगर मंकी का लोगो आ गया तो भाई सीरीज कंप्लीट करेगा, तो मंकी का तो चांस है। लेकिन नहीं भाई, पहला राउंड था, सार्क का लोगो भी नहीं दिया है, सीधा ईगल का लोगो रिपीट। कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास इतना सफिशियंट बैकअप है ना कि अगर कभी मेरे को अच्छा खासा, मतलब इस गेम से अगर कभी कुछ अमाउंट मेरा जेब से चला भी गया है तो भाई मैं कवर कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास उतना बढ़िया वाला बैकअप भी है। एंड मैं उसी हिसाब से क्या करता हूँ भाई, लोगों को टारगेट करता हूँ। चलो भाई मैं फिर से एक बार सेम लोगों पे चलेंगे, मंकी रैबिट पांडा एंड पिजन पे, जहाँ पर मेरा टारगेट रहेगा भाई मंकी का लोगो। मंकी का लोगो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, रिबेट लगा के लास्ट में एक बार फिर से मंकी पे थोड़ा अमाउंट ठोक दिया एंड पिजन पे थोड़ा अमाउंट ठोक दिया भाई, क्योंकि दो बाहर वाला का बात एक अंदर वाला का लोगो आया, तो भाई मेरे को लग रहा है कि बाहर वाला का चांस हो सकता है, लेकिन रैबिट का लोगो आ गया। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा नहीं बताऊंगा भाई, बड़ा वाला चला गया है मेरा जेब से, लेकिन टेंशन की बात नहीं है। जब भी एक बार मेरा जो टारगेट वाला लोगो है मंकी एंड पिजन, मैं मंकी एंड पिजन को कंटिन्यूसली टारगेट कर रहा हूँ। ए वाला दो टारगेट वाला जो लोगो है, अगर एक बार आ जाएगा ना दोनों में से कोई एक, तब तो भाई बल्ले बल्ले हो जाएगा। सिर्फ देखते रहो आप लोग वीडियो को लास्ट तक, कैसे मैं मेरा मतलब जितना भी गया है लॉस कवर कैसे कर रहा हूँ, वो वाला भी आप लोग देख लो भाई, ठीक है। मैं फिर से एक बार मंकी रैबिट पांडा पिजन को पिक किया, टारगेट कौन सा है भाई, टारगेट मेरा सेम ही है, मंकी एंड पिजन का लोगो मेरा टारगेट है। देखते हैं फिर कौन, ओ भाई आ गया भाई। देखो भाई मंकी का लोगो पास हो गया है, एक ही राउंड में कितना कवर हुआ, देखो भाई 15,395 का 95 कवर हुआ है भाई एक ही राउंड में, ठीक है। स्ट्रिप देखो भाई कैसे मैं लोगों को पिक करता हूँ, एंड स्ट्रिप मंकी नहीं भाई, अभी तक पिजन का लोगो मेरा, मंकी का लोगो आ गया तो मंकी पे मैं थोड़ा कम इन्वेस्ट कर सकता हूँ अभी, लेकिन पिजन का लोगो भी मेरा टारगेट है। अभी तक पिजन का लोगो नहीं आया है, तो अभी क्या करूँगा मैं, रिस्पेक्टेबली थोड़ा सा कम लगाऊंगा, लेकिन पिजन का लोगो अभी भी मेरा टारगेट वाला लोगो है, क्योंकि पूरा हिस्ट्री को देख के मैंने मंकी एंड पिजन को टारगेट कर रहा हूँ, तो भाई मेरा टारगेट वाला लोगो जब तक नहीं आएगा तब तक मैं चलता रहूँगा भाई उसी को पकड़ के। ओ भाई तुरंत दे दिया भाई पिजन का लोगो, लो भाई फिर से एक बार कवर हो गया 9,850 का भाई, दो राउंड मिला के लगभग 25,000 के आसपास आ गया भाई मेरा जेब में। देखो भाई कितना सही चला है, देखो भाई एक बार 54,000 के कॉइन्स के आसपास बन चुका है। तब तो भाई इस बार थोड़ा सा लो खेलना चाहिए, जब बैक टू बैक दो राउंड मेरे को सही से दिया है गेम वालों ने, तब तो भाई इस बार मेरे को थोड़ा सा लो ही खेलना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बिल्कुल भी लो कॉइन्स से गेम प्ले किया है, मंकी रैबिट पांडा एंड पिजन को ही पिक किया है फिर से एक बार, दो पीस दो पार्ट भी चल रहा है, लेकिन मेरे को लग रहा है भाई कि सीरीज टूट सकता है। देखते हैं फिर कौन सा लोगो आता है। ओ भाई गलत किया मैंने, तीनों डिफेंड ऊपर वाला का लोगो आ गया था तो सोलो का भी चांस था, लेकिन मैंने सोलो को पिक नहीं किया था, तो भाई ए वाला राउंड दिक्कत कर दिया है। लेकिन पता है भाई मेरा एक ट्रिक्स के बारे में, अगर कभी ऐसा हुआ कि चारों डिफेंड ऊपर वाला का लोगो आ गया, तो उसका अगला राउंड नीचे वाला का चांस ज़्यादा हो जाता है। तो मैं इस बार क्या करूँगा भाई, मैं फिर से एक बार रैबिट को तो नहीं छोड़ पाऊँगा, मंकी रैबिट पांडा एंड पिकॉक को लेकर चल रहा हूँ, ठीक है ना। मंकी रैबिट पांडा एंड पिकॉक को लेकर चल रहा हूँ, जिसमें मेरे को पांडा एंड पिकॉक पर थोड़ा अमाउंट ज़्यादा रखना है, क्योंकि ए वाला भी एक सिस्टम है कि चारो ऊपर वाला का लोगो अगर आ चुका है तो डेफिनेटली उसका अगला राउंड नीचे वाला में से आ जाता है। देखते हैं फिर कौन सा लोगो आता है भाई। ओहो नीचे वाला में से तो आया है, लेकिन ना तो सार्क का लोगो आया, ना तो मतलब पांडा एंड पिकॉक का लोगो आया है तो बिल्कुल भी लॉयन का लोगो आया। कोई दिक्कत नहीं है भाई, एक राउंड मिस हुआ है, लेकिन लेवल से तो मैं गेम प्ले करूँगा, सेकेंड लेवल चलूँगा फिर से एक बार। भाई देखो
ए वाला सीरीज भी कंप्लीट कर सकता है, 20 साइड का नीचे वाला बर्ड साइड के ऊपर वाला, जिसमें तीन लोगों आ चुका है, पिजन का लोगों आ चुका है, स्वेलो का लोगों आ चुका है, लॉयन का लोगों आ चुका है, पांडा का लोगों अभी तक बचा हुआ है। तो मंकी रैबिट पांडा एंड पिकॉक को पिक करेंगे मैं, जहाँ पर पांडा पे मैं लास्ट में थोड़ा सा ठोक दूंगा भाई, ठीक है। देखते हैं फिर, अगर पांडा का लोगों पास हुआ ना तब तो भाई वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। एंड देखते हैं फिर, लास्ट में ठोक दिया मैंने पांडा पे एंड ओ भाई पांडा का ही लोगों आ गया। चलो भाई वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, दिखाता हूँ भाई आप लोग का मेरा वीआईपी लेवल। देखो भाई अगर आप लोग मेरा वीआईपी लेवल देखोगे तो भाई मतलब क्या है भाई, शौक में जाओगे भाई कि कोई बंदा इतना वीआईपी लेवल के कैसे हो सकता है भाई। एंड अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे तो डेफिनेटली वहीं पर आपको और भी बहुत सारा कुछ पता चलेगा, ठीक है ना। तो जरूर टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। देख लो भाई मेरा वीआईपी लेवल, ये देखो भाई लास्ट टाइम मैंने कितना कॉइंस ऐड लगाया था वो भी आप लोगों को दिखा दिया है। एंड अभी देखो मेरा वीआईपी लेवल कितना है, अभी तक वीआईपी 9 पे हूँ। चलो भाई वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ, कितना कॉइंस ऐड कर लिया मैंने अभी तक देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सब लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना भाई।